as mina é... ओके सो हे गाइस, क्या आप भी चाहते हो कुछ इस प्रकार का एक न्यू ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो क्रिएट करना? तो दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी को सिखाऊंगा इस तरह का आपको एटीट्यूड वाला स्टेटस वीडियो किस तरह से क्रिएट करना है अपने फोटो के साथ या किसी के भी फोटो के साथ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, VN एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस प्रकार का आपको इंटरफेस मिलेगा। सिंपली से आपको यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट में आ जाना है। आ जाने के बाद यहाँ पर अपने फोटो को सिलेक्ट करना है, ठीक है। फोटोज ऑप्शन में जाना है और जाने के बाद जो भी गैलरी में आपका फोटो है, इस प्रकार से दोस्तों आपको टोटल 8 फोटो को आपको दोस्तों सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं फटाफट से कुछ अच्छा अच्छा फोटो में सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों फोटो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एक एरो मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा आपको। दोस्तों फर्स्ट फोटो के आपको थोड़ा एंड पोजीशन में आना है। आने के बाद आपको फोर्थ नंबर ऑप्शन में आपको क्लिक करके वीडियोस एंड फोटोज़ में जाना है। जाने के बाद फोटो सिलेक्ट करके आपको एक ब्लैक बैकग्राउंड का एक फ़ोटो ले लेना है, ठीक है। और लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इस ओरिजिनल में जाना है। जाने के बाद इसको आपको 9:16 को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको एक बार देख लेना है आपका सभी फ़ोटो एडजस्ट सही से है या नहीं। जो भी दोस्तों आपको फ़ोटो एडजस्ट नहीं है दोस्तों आपको ठीक से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। कैसे एडजस्ट करना है, फ़ोटो में क्लिक करके इस प्रकार से आपको दोस्तों फ़ोटो को जूम भी कर सकते हो, ठीक है। और दोस्तों फोटो को जूम करके आपको फ्रेम में फुल स्क्रीन में एडजस्ट कर लेना है। और लास्ट में वाटरमार्क को आपको डिलीट करना है। इतना दूर कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट में सॉन्ग ऑप्शन का सॉन्ग ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर क्लिक करके आपको म्यूजिक में आना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको इस प्रकार का आपको एक म्यूजिक मिलेगा, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपको बीट मार्क कैसे सेट करना है मैं बता देता हूँ। बीट मार्क में आ जाना है। आ जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर जैसे वीडियो को आगे ले जाओगे, मतलब सॉन्ग को आगे ले जाओगे, आपको दोस्तों 4.7 सेकंड के आसपास आपको, मतलब 4.70 सेकंड के आसपास एक बीट मार्क मिलेगा। यहाँ पर आपको बीट मार्क ऐड करना है। उसके बाद आपको लास्ट तक दोस्तों, लास्ट में मतलब दोस्तों यहाँ पर 8.4 सेकंड में आपको बीट मार्क मिलेगा दोस्तों लास्ट तक, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ बीट मार्क है। इतना दूर करने के बाद आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा और आपको इस प्रकार से थोड़ा आपको जूम कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों फर्स्ट बीट मार्क यहाँ से आ रहा है, तो दोस्तों फोटो में क्लिक करके इस प्रकार से आपको फोटो को स्लाइड कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको ब्लैक बैकग्राउंड में क्लिक करके इस प्रकार से आपको थोड़ा स्लाइड करके आपको एडजस्ट कर लेना है इसी प्रकार से, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, जितना बीट मार्क है सभी बीट मार्क में आपको दोस्तों इस प्रकार से फोटो को आपको एडजस्ट कर लेना है। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। तो दोस्तों सभी फ़ोटो आपको कट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको किसी फोटो में दोस्तों आपको यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एफएक्स का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद जूम इन को सिलेक्ट करके आपको नीचे अप्लाई टू ऑल कर लेना, ठीक है। और अप्लाई टू ऑल करने के बाद फर्स्ट फोटो में आपको क्लिक करके एफएक्स में जाना है। आपको दोस्तों यहाँ पर सिलेक्ट करना है ब्लैक, और आपको ब्लैक का लेंथ कर लेना है 30 सेकंड के आसपास। और इसको आपको स्लाइड करते हुए जितना दूर जाता है इसको आपको ले चले जाना है, ठीक है। और ले जाने के बाद आपको ओके में क्लिक करना है। ओके में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपको कोई भी एक प्लस वाला आइकन में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको स्लाइड करने के बाद आपको लाइट और दोस्तों यहाँ पर आपको लाइट वाला ट्रांजेक्शन इफेक्ट को आपको दोस्तों यहाँ पर आपको प्लस दोस्तों 30 या दोस्तों आपको 25 के आसपास करना है। और नीचे अप्लाई टू ऑल कर लेना है। अप्लाई टू ऑल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ब्लैक में आपको क्लिक करके, मतलब दोस्तों इस प्लस वाला आइकन में क्लिक करने के बाद ब्लैक बैकग्राउंड के आसपास इसको आपको दोस्तों यहाँ पर नन कर लेना है। इतना दूर करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको थर्ड नंबर ऑप्शन में आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद वीडियोज़ फोटोज़ में जाना है। और दोस्तों आपको एक फाइटर वाला वीडियो एड करना है, मतलब दोस्तों इफेक्ट वाला वीडियो एड करना है। और इसको आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको फिल स्क्रीन करना है। और साइड में आपको ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके इसको स्क्रीन में क्लिक करना है। और इतना दूर करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, इतना दूर करने के बाद दोस्तों फिर से आपको इस थर्ड वाले ऑप्शन में जाके यहाँ पर आपको एक पार्टिकल वीडियो को दोस्तों आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पार्टिकल वीडियो को ऐड कर लेना है। और ऐड करने के बाद ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके इसको स्क्रीन करना है। और यहाँ पर एक चीज़ करना भूल चुका हूँ, जो कि इसको आपको फिल स्क्रीन करना है। अगर इसमें दोस्तों म्यूजिक मिलेगा तो आपको म्यूजिक को म्यूट कर लेना है वॉल्यूम ऑप्शन में जाके। और म्यूजिक म्यूट करने के बाद दोस्तों जैसे स्टार्टिंग पोजीशन में आके वीडियो को जैसे आप लोग प्ले करोगे, आपका वीडियो दोस्तों बहुत अच्छा ओपी तरीके से दिखने को मिलेगा। अगर दोस्तों इस प्रकार का वीडियो एडिटिंग क्रिएट करने में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। अगर इस वीडियो को अगर आप सभी को अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू इंटरेस्टिंग न्यू वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में इतना ही था।